फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आप देख रहे हैं मैकेनिक प्रदीप का यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में बात करूंगा वोल्वो में। बहुत सारा भाइयों का कमेंट्स आया था कि वोल्वो 460 में किलोमीटर आवर्स मीटर कैसे निकालते दोस्तों। तो फिलहाल हम वही टॉपिक पे आज वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में बताऊँगा कि वोल्वो का किलोमीटर आवर्स मीटर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, जो कि ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं वोल्वो को स्टेरिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसका चाबी को ऑन करना है दोस्तों। तो ये रहा इसका चाबी, हमने इसे ऑन कर लिए हैं। चाबी ऑन करने पर दोस्तों कुछ इस तरह से डिस्प्ले में शो करेगा, ये देख सकते हैं। तो अब हम इसका स्टेरिंग की ओर आना है दोस्तों चाबी ऑन करने के बाद। तो ये देखिए स्टेरिंग इस पोजीशन में सीधा है, इस तरह से रखना है। राइट साइड जो देख रहे हैं दोस्तों ये बटन ECS बटन, तो इसमें आना है दोस्तों। तो इसे दबाना है दोस्तों, इससे बैक होता है। तो ये देखिए इसको दबाने से डिस्प्ले में इस तरह से बैक करना है दोस्तों। इसको दबाना है, इसको दबाते रहना है दोस्तों इस तरह से। तो ये देखिए बैक हो गया पूरा। तो इस तरह से आएगा दोस्तों, ये देख रहे हैं आप। ये एयर सिस्टम आने के बाद में दोस्तों उसके बाद ये जो ओके का है बटन, इसको दबाना है इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप गेज ट्रिप कंप्यूटर फेवरेट डिस्प्ले सेटिंग। तो इस तरह से हमें नीचे की ओर आना है दोस्तों। इस तरह से हमें इसको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में आने के बाद दोस्तों इसे इस तरह से दबाना है। दबाने के बाद दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप नीचे व्हीकल मैसेजेस, ये देखिए दोस्तों व्हीकल मैसेजेस यूजेज डाटा नेक्स्ट सर्विस व्हीकल डाटा डिग्नोस्टिक सर्विस डाटा, ये सब दिया हुआ है दोस्तों। तो ये सब में हमें नहीं जाना है दोस्तों, जो कि आपको किलोमीटर और हावर्स मीटर निकालना है। तो हमें फिलहाल इससे रिवर्स करना है। तो इससे इस तरह से फिर से ऊपर आना है, ये देखिए व्हीकल डाटा में जाना है। उसके बाद इसको इस तरह से ओके करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों व्हीकल डाटा डिस्टेंस जो कि किलोमीटर बता रहा है आपका, जो कि इतना है इसका किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों इससे इस तरह से करना है पे सेकंड में जो फ्यूल कंजम्पशन बता रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर से इसे नीचे की ओर करना है। तो इंजन हावर्स ये देख सकते हैं आप, इंजन हावर्स भी आ रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर से करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं। तो ये देखिए आइडल टाइम भी यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद PTO टाइम। इसको इस तरह से नीचे की ओर करना है दोस्तों। इंजन रेगुलेशंस डिस्टेंस किलोमीटर, तो फिलहाल ये इसी तरह से चेक किया जाता है दोस्तों। आपको समझ में आ ही गया होगा किलोमीटर और हावर्स मीटर कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको हम बैक कर लेते हैं। तो इससे बैक कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए इस तरह से दबाना है। तो दोस्तों ये जो व्हीकल मैसेजेस देख रहे हैं इसमें सारा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, और इसमें सेव हो जाता है अगर कुछ सिग्नल आया है दोस्तों। तो अगर आप नहीं देख पाए तो यहाँ देख सकते हैं आप इसमें आके। तो इसमें आने के बाद दोस्तों ये वाला बटन को इस तरह से ओके करना है। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे जो जो सिग्नल आया है सारा शो करेगा। तो सर्विस रिक्वायर्ड और लाइट वेट का जो भी है, इस तरह से इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है वो बटन को। तो इस तरह से देख सकते हैं आप नीचे सारा सिस्टम आता है, कोई भी सिग्नल आया तो यहाँ पे शो कर लेता है दोस्तों।